हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल और भाई आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू महिंद्रा XUV 700 AX7 लग्जरी। भाई टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है बिल्कुल। और भाई आज इसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या अपने को खास फीचर मिल जाता है जो दुनिया इसकी इतनी दीवानी है। और भाई जब ये लॉन्च हुई थी ना तो उस टाइम पे काफ़ी तबाही मचाई थी इनने, बट लेकिन इसके अंदर भाई अभी ना थोड़ी सी एसेसरीज भी लगी हुई है ऊपर से और इंटीरियर में भी, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो भाई 80,000 की एसेसरीज है, उसके बारे में अगर फ्रंट से देखोगे तो भाई ये जो अपना गार्ड देख रहे हो ना, महिंद्रा लिखा हुआ है, ये लगा हुआ है, बट लेकिन भाई हैलोजन हेडलैम्प नहीं आता इसके अंदर, आती है LED टोटल। देखो भाई पूरा LED सेटअप आता है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। फॉग लैम्प में भी अपनी LED मिल जाती है इसके अंदर। ये कुछ भाई अपने को फ्रंट से लुक देखने के लिए मिलती है महिंद्रा XUV 700 की, बट लेकिन भाई जो इसका इस ग्रिल है ना काफ़ी प्रीमियमनेस देती है, और इंटीरियर में चलेंगे ना वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस मिल जाएगी इसके अंदर। नीचे की साइड भाई अपने को ब्लैक कलर में थोड़ी सी ग्रिल मिल जाती है, रेडिएटर ग्रिल, और स्किफ प्लेट भी मिल जाती है नीचे की साइड। यहाँ पर आ जाता है अपना टोइंग हुक, ये देख सकते हो आप। और भाई उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, जो भाई आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ़ीचर्स मिलते हैं ना एडास, जैसे कि हाथ हटा लो स्टेयरिंग पे से अपने आप चलती रहती है, भाई 27 लाख की XUV 700 के अंदर आपको वो वाले फ़ीचर मिल जाते हैं। उससे पहले अगर की बात करते हो तो भाई कुछ इस टाइप की मिलती है आपको, लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाता है, बूट एक्सेस कर सकते हो आप ओपन करके, और नॉर्मल फ्लिप की आती है, हालांकि इसमें पुश स्टार्ट बटन आता है बट लेकिन फिर भी इन्होंने फ्लिप की दे रखी है इसके अंदर। तो भाई अगर साइड से बात करते हो तो ये कुछ अपने को XUV 700 की साइड से लुक मिलती है, जिसके अंदर भाई आपको अलॉय व्हील, डिस्क ब्रेक, और ये अपना जो साइड वाला गार्ड देख रहे हो भाई एसेसरीज का पार्ट है, जो कि 80,000 की एसेसरीज है उसमें इंक्लूड है, साइड बिटिंग वगैरह, डोर वाइजर भी, तो ये सारी चीज़ें एसेसरीज का पार्ट है। अगर हम बात करते हैं ना भाई इसके टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो मिलता है 235/60R18 भाई 18 इंचिस का आपको अलॉय व्हील मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अंदर भाई काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, AX3, AX5, AX7, AX लग्जरी है, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएंट आ जाते हैं पेट्रोल और डीजल में। अभी हमारे पास पेट्रोल वाला वेरिएंट है XUV 700 का। उसके बाद भाई आपको 200 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाती है, जो कि भाई गाड़ी मतलब नीचे से टच वगैरह तो होने के चांसेस ही नहीं है। उसके बाद आपको इंडिकेटर वार्निंग भी मिल जाता है, विंडो गार्निश पे आपको क्रोम वगैरह भी मिल जाता है बढ़िया देखने के लिए, रूफ रेल्स, और भाई उसके बाद अगर देखोगे तो सनरूफ भी आ जाती है भाई अपने टॉप वेरिएंट के अंदर। हालांकि ये X7 से ही आ जाती है, बट लेकिन टॉप वेरिएंट में आपको सारे फीचर ही मिल जाते हैं भाई इसके अंदर। इसके अंदर आपको 12 स्पीकर सिस्टम भी मिल जाता है, अभी इंटीरियर में लेके चलूँगा तब बात करेंगे। उससे पहले भाई जो इसके डोर हैंडल है ना, ये काफ़ी सही लगते हैं, मतलब इनको ऐसे पकड़ के खोल सकते हैं अपन, ऐसे बंद हो जाते हैं तो सही लगते हैं देखने में। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ भाई पीछे की साइड, तो फिर पीछे से ना अपने को कुछ इस टाइप के लुक मिलते हैं भाई XUV 700 के अंदर। ये देखो भाई ये कुछ लुक है भाई, पीछे से भी ना काफ़ी हैवी सी फील होती है। अब जो 80,000 की मैंने आपको एसेसरीज बताई थी ना, उसके अंदर ये गार्ड भी लगा हुआ है जो कि पीछे का गार्ड होता है। टेल लैम्प देखोगे टोटली LED आ जाते हैं, डिफॉगर, वाइपर, हाई स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, महिंद्रा का लोगो, XUV 700 AX7 लग्जरी, जो कि भाई इसको थोड़ा प्रीमियमनेस और बढ़ा देती है। उसके बाद अगर देखते हो तो भाई ये कुछ लुक है पूरी की पूरी XUV 700 के अंदर। अगर आपको बूट एक्सेस करनी है तो भाई उसके लिए आपको यहीं पर नहीं, यहाँ पर कोई भी बटन नहीं है, यहाँ से अपना कैमरा ज़रूर मिल जाता है अपने को, 360 कैमरा आता है ना भाई इसके अंदर, एक की प्लेसमेंट ये दे रखी है, दूसरे की मिल जाती है अपने को ORVM के नीचे, यहाँ पर 360 कैमरा, और चौथा मिल जाता है अपना फ्रंट में दे रखा है। उसके बाद अगर मैं आपको लेके चलता हूँ भाई XUV 700 के इंटीरियर में, तो भाई एक बार पूरा ओवरऑल लुक चेकआउट कर सकते हो आप, ये कुछ लुक है। अब अगर मैं आपको इंटीरियर में लेके चलता हूँ ना, तो उससे पहले हम करेंगे इसके डोर को ओपन। ये करा भाई हमने डोर ओपन, ये मिलता भाई अपने को पूरा का पूरा इंटीरियर। भाई क्या लग्जरी फील होता है यार XUV 700 का इंटीरियर पूरा। देखो यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉनिकली सीट एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है, जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है हाथ से उठा के आगे पीछे करनी पड़ती है, बट लेकिन इसमें यहीं पे दे रखा है पूरा सिस्टम, इसी से आगे पीछे हो जाएगी, हेडरेस्ट का भी दे रखा है, मेमोरी सीट मिल जाती है आपको। अगर आपको नहीं पता मेमोरी सीट क्या होती है, तो भाई 3 बंदे ना अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर सकते हैं, और जैसे कि अब मैंने 1 पे अपनी एडजस्ट करी तो मैं 1 दबा दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या ही कैसे भी हो 1 पे एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अपना पियानो फिनिश, थोड़ा सा बीच कलर का इंटीरियर, यहाँ से अपने डोर ओपनर, और ये अपनी चारों की चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक के लिए बटन, पावर विंडो लॉक करने के लिए ORVM में एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से अनफोल्ड और फोल्ड कर सकते हो, बोतल होल्डर मिल जाता है यहाँ पर, स्पेस मिल जाता है। भाई यार देखने में तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, और आप देख रहे होगे वेलकम प्लेट, ये भी एस सीरीज़ का पार्ट है, ऑटोमेटिक देख रहे हैं भाई, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी कोई क्यों ही मैनुअल में लेगा, जिसको पसंद होगा भाई वो तो लेगा। तो भाई ये कुछ अपने को इंटीरियर मिलता है। उससे पहले अगर हम डोर क्लोज़ कर लेते हैं इसका, तो ये देखो भाई
क्या प्रीमियम है यार, मतलब ऐसा लग रहा है मैं रेंज रोवर वगैरह में बैठ गया। एक्सयूवी है हालांकि ये देखो भाई, पूरा बीज कलर और ब्लैक कलर का, इतनी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, पियानो फिनिश, सनरूफ मिल जाती है भाई आपको, पूरी पैनोरामिक सनरूफ पीछे तक जाती है, यहाँ पर अपना लाइट वगैरह के कंट्रोल हो जाते हैं। SOS भी आता है भाई इसके अंदर, जैसे कभी आप फंस गए ना कहीं पे तो SOS का बटन दबा दो, अपने आप सारी कॉल वॉल आ जाती है। इस पे देखते हो तो कोई भी मिरर नहीं है, सनग्लास होल्डर ज़रूर मिल जाता है आपको, इस वाले पे मिरर मिल जाता है आपको उधर की साइड। और भाई इसके अंदर ना पूरा 12 स्पीकर का सिस्टम आता है, जो कि देखने में बढ़िया लगता है, सोनी का आप देख सकते हो, ये देखो सोनी की बैजिंग भी आती है इनके ऊपर। और भाई जो इसका मेन इंटीरियर है ना, तो यहाँ से लगता है प्रीमियम, पूरी की पूरी पियानो फिनिश, इसका गियर नॉब देखो क्या बढ़िया। और भाई स्पेस के मामले में तो यार कोई बात ही नहीं है इसकी एक्सयूवी की, देखना कितना खुला बैठा हूँ यार मैं, ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ ही बैठा हूँ। और बोनट तो भाई पूरा का पूरा विजिबल है इसका, एक्सयूवी 700 होगा, आयरवियम आपका डे नाइट वाला। अब करते हैं भाई मेन, तो इसके पूरी जो स्क्रीन ऑन होगी ना तब आएगा मज़ा। तो भाइयों जैसा मैंने आपको बताया था ना कि इसकी फ्लिप की तो मिलती है इसके अंदर, बट इसका ना कोई काम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आता है भाई पुश स्टार्ट बटन, जो कि इधर दे रखा है थोड़ा सा छुपा के। और भाई इसके जो स्टेयरिंग पे देखते हो ना एडास वगैरह के फीचर, आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक इसके अंदर वाइपर लाइट के कंट्रोल इधर दे रखे, वाइपर के कंट्रोल ऑटोमेटिक है भाई, जैसे बारिश वारिश आती है ना अपने आप चल जाते हैं, हेडलैम्प भी रात को अंधेरा होने पर अपने आप ऑन हो जाते हैं। और अगर आपको और भी एडजस्ट करने, मैंने आपको बता ही दिया, तो अब जिसका इंतजार है ना भाई उसको ऑन करते हैं, मेन तो यार ये स्क्रीन देखने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर अपने को दे रखा पुश स्टार्ट बटन, ये दबाया हमने तो ये देखो भाई क्या प्रीमियम लगता है यार, ये देखो ऑन होते हुए पूरा का पूरा डिजिटल कंसोल। यहाँ पर अपनी स्पीडो मीटर मिल जाता है, टैकोमीटर पार्किंग पे है, जैसे कि अभी गाड़ी पार्किंग पे तो पार्किंग मोड दिखा रहा है, ड्राइविंग किलोमीटर, इंजन स्टॉप डन, मतलब जैसे कि वो दिखा रहा है ना ब्रेक प्रेस करके हम इंजन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी म्यूजिक सिस्टम वगैरह का कंट्रोल मिल जाएगा, तो यार देखने में तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और अगर सनरूफ ओपन करनी है ना तो भाई इससे कर सकते हैं हम, जैसे कि बटन दबा के रखा, पहले इसका ब्लाइंड स्पॉट पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा और फिर उसके बाद अपनी हो जाएगी सनरूफ ओपन। तो जैसे कि इसमें ऐसा सीन है कि एक बार दबा के छोड़ दिया तो हो जाएगी, इसको दबा के रखना ही पड़ता है तब जाके पूरा का पूरा ओपन होता है। और अगर सनरूफ ओपन करनी है तो इसको ऐसे दबा दो बटन को और फिर हो जाएगी अपनी सनरूफ ओपन। तो भाई ऐसे ही कुछ सीन है इसका, बंद करके आगे ऊपर के दबा के रखेंगे तो पूरा का पूरा ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा ऑफ। यार देखने में तो सही लगती है, मतलब XUV 700 है ना, कुछ चीज़ बना रखी है महिंद्रा ने भी, इसको हम खुला भी छोड़ सकते हैं पहाड़ों वाड़ों पर जाते हैं। तो ये देखो भाई ये कुछ इंटीरियर है अपना महिंद्रा XUV 700 होगा, स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है इसकी। और भाई उसके बाद यहाँ पर अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही है भाई, 27 लाख रुपए किस चीज़ के दे रहे हैं भाई, सारी चीज़ ऑटोमेटिक के, तभी तो भाई प्रीमियम फील आएगी। और ये जो है ना यार काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है मेरे को तो देखने में ना, यहाँ से अपना कंट्रोल हो जाते हैं एसी वेंट वगैरह के, सीट बेल्ट वगैरह के भी दे रखे हैं, हजार्ड का बटन, गियर नॉब, आर्म रेस्ट की बात करते हो तो इसके अंदर आपको स्पेस वगैरह भी मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाते हैं दो। और यहाँ से अपना ऐसा कुछ देखने में लगता है पूरा का पूरा इंटीरियर XUV 700 का। भाई मेरा तो यार दिल आ गया इस गाड़ी में, देखना ये कुशनिंग वगैरह भी दे रखी है एसेसरीज के पार्ट में, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, अगर आपको लेके चलूँगा ना पीछे की साइड तब और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी भाई आपको ना, यहाँ से तो आपको लग ही रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। भाई सच बताऊँ आपको ना वीडियो में देख के ऐसा नहीं लगता होगा प्रीमियम है, जब आप रियल लाइफ में इसको देखोगे ना आके तो आप कहोगे हाँ भाई कुछ चीज़ है XUV 700 भाई है ही बढ़िया तगड़ी। सिल्वर कलर में यहाँ पर अपने को फिनिश मिल जाती है थोड़ी सी, एसी वेंट पे भी क्रोम वगैरह की दे रखी है, सिल्वर फिनिश है एक टाइप से। तो चलो भाई अब लेके चलता हूँ मैं आपको पीछे की साइड और फिर बात करेंगे कि पीछे अपने को XUV 700 में क्या कुछ खास मिल जाता है। उसके लिए पहले अगर हम चलते हैं बाहर की साइड तो भाइयों ये कुछ अपने को रियर का डोर मिलता है, जिसके अंदर बीच कलर में इंटीरियर, ब्लैक कलर में पियानो फिनिश, यहाँ से अपने पावर विंडो के कंट्रोल, बोतल होल्डर, स्पेस वगैरह मिल जाता है। ये कुछ सीट मिलती है भाई, जिसके अंदर ना स्पेस तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाएगा, स्पेस के मामले में कमी नहीं लगेगी आपको। और भाई ऊंची गाड़ी है ना तो उसके लिए आपको ये गार्ड यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा पड़ता है। और इसकी प्लेट तो मिली जाती है XUV 700 की, बट लेकिन मैं तो ऐसे ही बैठ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बैठने में। ये देखो भाई क्या कुछ स्पेस है भाई, फुल खुल्लम खुल्ला स्पेस, देखना कितना स्पेस है, कोई अपने चार बंदे बिठा लो इसमें, ये देखो चार जने ही बिठा लोगे ना तब भी कोई कमी नहीं रहने वाली। यहाँ पर अपने को आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, पन्नी चढ़ी हुई है, यहाँ से अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो जाते हैं और पूरी की पूरी पैनोरामिक सनरूफ भाई। इसको ले जाओ पहाड़ों में फिर तो भाई क्या आनंद आएगा, आप भी नहीं सोच सकते क्या निकलने में कितना मज़ा आएगा यार इसमें से। और जो भाई इसके ये डोर ओपनर है ना कुछ इस टाइप के होते हैं, इससे लॉक कर सकते हैं हम ऐसे और इसी से अनलॉक हो जाएंगे, जैसे हम खींचेंगे ना इसको तो लॉक तो रहेंगे, इसको करेंगे अनलॉक तो हो जाएगा भाई अनलॉक डोर।
उसके बाद भाई पीछे बैठ के ना काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची सी फील होती है XUV 700। देखो ऐसा लगता है कुछ इसका इंटीरियर ऐसा लग रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा ऊंचे तो बैठे हैं बट लेकिन भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम भिचम भिचे बैठे, भाई फुल खुली गाड़ी है, मतलब फील आ रही है इसमें बैठ के ना कि हाँ भाई किसी तगड़ी सी गाड़ी में बैठे हैं। और ये अपना पीछे की सीट हो जाती है, इतना कुछ स्पेस मिल जाता है। अगर आपको पीछे की सीटों पे जाना ना तो उसके लिए आपको सीट डाउन करनी पड़ेगी तब जा सकते हो आप। वो अगर मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा तो दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। देखो भाई ये कुछ इंटीरियर है। एसी इवेंट मिल जाते हैं भाई आपको पीछे की साइड, चार्जिंग पोर्ट नहीं तो क्या होता है ना अर्टिगा वगैरह में यहाँ पे होते हैं बट लेकिन इसके अंदर यहीं पे दे रखे हैं, काफ़ी अच्छी फील मिलती है इससे। तो चलो यार आपको एक बार ना थर्ड रो का स्पेस भी चेकआउट करा ही देता हूँ मैं। आप कहोगे कि भाई थर्ड रो ही तो मेन होती है कि थर्ड रो में कितना कुछ स्पेस मिलता है अपने को, तो चलो एक बार लेके चलता हूँ मैं आपको पीछे की साइड। और भाइयों अगर आपको जाना है ना पीछे वाली सीट पे तो उसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसको आप गिराओगे तो अपनी सीट आगे हो जाती है। फिर आप यहाँ से ना इसको थोड़ा सा आगे करके, ये वाली पीछे हो रखी है, इसको आगे करके इजीली पीछे वाली सीट में जा सकते हो। यहाँ पर अपने को बोतल होल्डर भी मिल जाता है, पीछे वाली सीटों पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं बट लेकिन अगर मैं आपको लेके चल के दिखाना चाहूँगा तो यार मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि देखो पूरी ना सीट अड़ जाएगी है तो अभी तो पॉसिबल है नहीं। देख लो वैसे इतना कुछ स्पेस मिल जाएगा आपको ठीक ठाक, मतलब बच्चे तो बैठ जाएंगे, बड़ों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट लेकिन बच्चे इजीली बैठ जाएंगे। यहाँ पर अपने को सोनी का स्पीकर भी मिल जाता है, इधर की साइड नहीं है वो सामने देख सकते हो आप ये देखो। और उसके बाद पीछे डिफॉगर वगैरह तो है ही, यहाँ पर भी अपने को ट्विटर दे रखे, शायद ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। ये कुछ पूरी लुक आती है भाई XUV 700 होगी। और ये देखो ये कुछ इंटीरियर लगता है, ऐसी लगते भाई देखने में XUV 700 हो। अगर हम बात करते हैं भाई इसके इंजन की तो इसके अंदर आपको मिलता है 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 197 BHP और 380 Nm के आसपास टॉर्क प्रोड्यूस करती है XUV 700 हो। जिसके अंदर आप प्राइसिंग की बात करते हो तो भाई ये पड़ जाएगी आपको कहीं जाके 23 लाख की एक शोरूम और 27 लाख के आसपास ऑन रोड जाएगी। भाई अलग अलग स्टेट में अलग अलग वो हो सकता है प्राइसिंग, तो आप माइंड मत करना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि भाई आप महाराष्ट्र से ले रहे हो तो आपको अलग प्राइस मिलेगा, दिल्ली से ले रहे हो तो अलग प्राइस मिलेगा, तो भाई वो देख लेना आप कोई नहीं। तो गाइस मेरी छोटी सी वीडियो थी, पसंद तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।